हेलो स्टूडेंट्स आज हम इस वीडियो में सेलिंग एंड एडवर्टाइजिंग जो कि बीकॉम का एक पेपर है वहीं पे बीबीए में इसे एडवर्टाइजिंग मैनेजमेंट के नाम से जानते हैं तो इस पे कुछ एमसीक्यू के क्वेश्चंस हैं जो हम सॉल्व करेंगे तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन है प्रमोशन मिक्स इंक्लूड सेल्स प्रमोशन पर्सनल सेलिंग एडवर्टाइजिंग एंड तो प्रमोशन मिक्स में कौन कौन सी चीज़ें इंक्लूड होती हैं सेल्स प्रमोशन होता है पर्सनल सेलिंग होता है एडवर्टाइजिंग होता है और क्या होता है तो ऑप्शन है मार्केटिंग सेल्स पब्लिसिटी नन ऑफ दीज सो राइट आंसर इज पब्लिसिटी तो पब्लिसिटी एडवर्टाइजिंग पर्सनल सेलिंग और सेल्स प्रमोशन मिलकर क्या बन जाती है प्रमोशन मिक्स बनती है. हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कंज्यूमर प्रमोशन ट्रेड प्रमोशन एंड डैश आर द थ्री फॉर्म्स ऑफ सेल्स प्रमोशन तो सेल्स प्रमोशन के तीन फॉर्म होते हैं दो तो ये रहें कंज्यूमर प्रमोशन एंड ट्रेड प्रमोशन थर्ड वन इज वॉट तो थर्ड वन इज सेल्स फोर्स प्रमोशन अब ये होता क्या है तो जैसे देखिए कंज्यूमर प्रमोशन मतलब क्या हो जाता है आपका कि कंज्यूमर को अट्रैक्ट करने के लिए कि जैसे बाय ज़्यादा से ज़्यादा उस प्रोडक्ट की बाइंग हो लोग परचेज़ करें उसकी सेलिंग बढ़े तो इसकी वजह से क्या है कंज्यूमर को अट्रैक्टिव ऑफर दिए जाते हैं लाइक कूपन दे दिया गया या प्रीमियम प्रोवाइड किया जा रहा है गिफ्ट्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं कंज्यूमर्स को कि वो उस प्रोडक्ट की तरफ अट्रैक्ट हूँ तो उसे हम कहते हैं कंज्यूमर प्रमोशन वहीं ट्रेड प्रमोशन क्या हो जाता है ट्रेड प्रमोशन को हम डीलर प्रमोशन भी कहते हैं तो यहाँ पे जो जो मैन्युफैक्चरर्स होते हैं वो जो होलसेलर सेलर होते होल हैं और जॉबर्स या रिटेलर्स वगैरह होते हैं उन्हें अट्रैक्ट करने के लिए कि वो बने रहें उनके प्रोडक्ट की सेल कराते ही रहें तो उनके लिए वो ऑफर्स लाते हैं लाइक आप बाय करेंगे तो आपको इतने का डिस्काउंट देंगे हमारे प्रोडक्ट पे इतना डिस्काउंट आपको होगा इतने प्रो इतना प्रोडक्ट आप सेल करेंगे तो इतना प्रोडक्ट हम आपको फ्री देंगे तो उनके अलग अलग तरीके होते हैं जिनके बेसिस पे वो ट्रेड प्रमोट कर ट्रेड प्रमोशन देते हैं बाइंग अलाइंस देना तो ये सब क्या हो गया ट्रेड प्रमोशन हो गया वही बात करते हैं सेल्स फोर्स प्रमोशन की तो सेल्स फोर्स प्रमोशन मतलब अब सेल्स फोर्स मतलब क्या कि जिन जिनके थ्रू जो सेल्स कराते हैं सेल फोर्स तो वो जैसे कि आपके जो शॉपकीपर हो गए तो जो जो भी हैं जो सेल कर रहे हैं प्रोडक्ट की तो उनको प्रमोट करना उनको प्रमोट करने का मतलब जैसे मैन्युफैक्चरर्स ने एक टारगेट रख दिया कि इत, इस मंथ इतनी तक की सेल हो जानी चाहिए इस प्रोडक्ट की अगर जो भी इत, इस इससे ज़्यादा सेल करेगा उसके लिए हमारा हमारे पास ये ऑफर है तो इससे क्या होगा कि इंसेंटिव्स उनको प्रोवाइड करना बोनस प्रोवाइड करना तो इससे वो अट्रैक्ट होंगे कि इस प्रोडक्ट की सेल बढ़ाने है क्योंकि इसको बढ़ाने से हमको ये एडवांटेज मिलने वाला है तो ये सारे वो सेल्स को प्रमोट करने के अलग अलग फॉर्म है कंज्यूमर प्रमोशन ट्रेड प्रमोशन एंड सेल्स प्रमोशन तो इन सब में भी तरीके हैं जिनके बेसिस पे हम कंज्यूमर को प्रमोट करते हैं ट्रेड प्रमोट करते हैं या सेल फोर्स को प्रमोट करते हैं ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं डैश मीडिया कैन गिव ट्वेंटी फोर आवर्स एक्सपोजर टू द पब्लिक आई तो इनमें से कौन सा है जो ट्वेंटी फोर आवर्स पब्लिक आई में रहता है मतलब तो बार बार वो आपको दिखेगा लोगों को दिखता है हमेशा किसी ना किसी को दिखेगा टेलीविज़न प्रिंट इंटरनेट या फ्लैक्स बोर्ड सो so आंसर इज फ्लैक्स बोर्ड क्योंकि आपको होर्डिंग्स अगर आप देखते हैं कि वो जो भी आप जाएगा उसको दिखेगा ही दिखा ट्वेंटी फोर आवर्स वो शो होगा सो नेक्स्ट देखते हैं इट इज़ पॉपुलरली नोन एज फ्री फॉर्म ऑफ प्रमोशन तो इसमें से कौन सा है एडवर्टीजमेंट पब्लिसिटी पर्सनल सेलिंग या मार्केटिंग सो आंसर इज़ पब्लिसिटी ऑब्वियसली ये फ्री फॉर्म ऑफ प्रमोशन आपने कुछ भी नहीं करना है सिर्फ पब्लिसिटी हो जाती है कोई एक चीज़ वजह से आप नॉर्मली देखते हैं हम जो भी हमारे सेलिब्रिटीज़ होते हैं उनके लिए कहते हैं पब्लिसिटी स्टंट है तो वो फ्री में उनका प्रमोशन हो रहा होता है तो ये चीज़ है फ्री फॉर्म ऑफ़ प्रमोशन पब्लिसिटी जस्ट एन एग्जाम्पल सो नेक्स्ट देखते हैं कॉपी टेस्टिंग इज ऑल्सो नोन एज कॉपी टेस्टिंग को और क्या कहते हैं प्री टेस्टिंग कॉपी राइटिंग कॉन्क्रीट टेस्टिंग या प्रिव्यू सो आंसर इज प्री टेस्टिंग एडवर्टीजमेंट वगैरह के पहले जो हम उसकी फाइनलाइज कॉपी करते हैं दैट इज़ प्री टेस्टिंग नेक्स्ट विच एम द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ट्रेड प्रमोशन इनमें से कौन सा ट्रेड प्रमोशन का एग्जाम्पल आपको पता है ट्रेड प्रमोशन क्या होता है ट्रेड प्रमोशन सो कूपन सैम्पल पुषमनी नन ऑफ दीज ट्रेड प्रमोशन में हम किस को प्रमोट किस को प्रमोट कर रहे हैं किस किसके प्रमोशन की बात करेंगे जिससे वो अट्रैक्ट हो हमारे प्रोडक्ट को आगे ले जाए तो वो है होलसेलर रिटेलर तो इनमें से कौन सी चीज़ें होंगी सो आंसर इज पुष देखिए कूपन और सैंपल जो है वो किसका हो जाता है आपका वो कंज्यूमर प्रमोशन के लिए होता है वहीं जो पुष मनी होती है वो किसके लिए हो जाती है आपकी ट्रेड प्रमोशन के लिए हो जाती है तो पुष मनी होती क्या है अब पुष्ट मनी मतलब क्या हो गया आपका कि जैसे ट्रेड uh, प्रमोशन में होता है क्या है जो मैन्युफैक्चरर्स होते हैं वो डीलर को इन कैश या गिफ्ट में प्रोवाइड करते हैं मतलब कैश या गिफ्ट प्रोवाइड करते हैं कि उनके जो प्रोडक्ट है उसको पुश करें मीन्स मार्केट में मार्केट तक उसको पहुँचाएँ ये एक तरीके से एग्रेसिव सेलिंग का रिजल्ट होता है तो इसमें क्या करते हैं मैनुफैक्चरर्स जो डीलर्स होते हैं उनको जैसे अपना कैलेंडर हो गया या पेन हो गया ये सब चीज़ें देते हैं कि आप हमारे प्रोडक्ट को अगर सेल करेंगे तो आपको ये सारे एडिशनल चीज़ें दे रहे हैं एडिशनल डायरी दे रहे हैं कैलेंडर दे रहे हैं पेन दे रहे हैं या कुछ भी गिफ्ट हो या कैश में आपको दे रहे हैं तो एक तरीके से पुश मनी मीन्स कि प्रोडक्ट को इस जो भी है उस कंपनी के ब्रांड को आगे मार्केट में लाने

ट्रेड प्रमोशन कंज्यूमर प्रमोशन सेल्स फोर्स प्रमोशन नन ऑफ दीज सो आंसर इज कंज्यूमर प्रमोशन क्योंकि कंज्यूमर को अट्रैक्ट पुल मतलब खींचना तो कंज्यूमर को अट्रैक्ट करेंगे तो हम उनको सैंपल्स भेज रहे हैं उनको कूपन दे रहे हैं जैसे अभी आप मॉल वगैरह में जाइए तो आपको हो गया कि आप इस ब्रांड आप अब ऐसे कोई गेम रख दिया आप इसे करेंगे तो आपको एक कूपन मिलेगा मतलब इतनी कि आप परचेज़ करेंगे तो आपको इतना ऑफ मिल जाएगा या कुछ भी तो इससे क्या होगा कि एक तरीके से आप उन्हें अट्रैक्ट करें रहे हैं खींच रहे कि आप हमारे आप प्रोडक्ट को परचेज़ करिए तो ये कैसी स्ट्रैटेजी हो गई पुलिस स्ट्रैटेजी हो गई तो ये किसके एग्जाम्पल हो गया कंज्यूमर प्रमोशन का नेक्स्ट देखते हैं इफ अ कंपनी गिवस फॉल्स मैसेजेस टू द कस्टमर इट इज़ नोन एज तो अगर गलत मैसेज कस्टमर को दिया जा रहा है कंपनी दे रही है मतलब प्रोडक्ट का गलत इंफॉर्मेशन दे रही है तो हैं ऑप्शन एड्स सबमिलन एड्स डिसेप्शन इज डिसेप्शन डिसेप्शन मीन्स क्या होता है धोखा तो अगर गलत मैसेज फॉरवर्ड करके फिर प्रोडक्ट की सेलिंग को बढ़ा रहे हैं परचेज बढ़ा रहे हैं तो वो क्या हो गया है डिसप्शन कहलाता है नेक्स्ट देखते हैं द स्ट्रेटजी दैट इंकरेज डीलर एंड डिस्ट्रीब्यूटर टू सेल अ प्रोडक्ट इज नोन एज तो जो डीलर और डिस्ट्रीब्यूटर को अट्रैक्ट करती है कि वो उस प्रोडक्ट की सेल को बढ़ाएँ उसे क्या कहेंगे पुश पुल कॉम्बिनेशन या मार्केटिंग तो आंसर इज़ पुश क्योंकि पुल में क्या होता है कंज्यूमर को अट्रैक्ट करते तो कंज्यूमर प्रमोशन वाला स्ट्रैटेजी आ जाती है वहीं जब पुश की बात करते तो हम पुश कर रहे हैं मतलब अपने प्रोडक्ट को मार्केट में डालने के लिए होलसेलर्स को पुश कर रहे हैं कि आप हमारे प्रोडक्ट को बाहर ले जाइए मार्केट में दीजिए हम इसके लिए आपको पुश मनी भी प्रोवाइड कर रहे हैं राइट तो ये क्या कहलाएगा पुश कहलाता है नेक्स्ट द प्लान दैट शो टाइम डेट एंड फ्रिक्वेंसी ऑफ एन एडवर्टाइजमेंट तो उस प्लान को क्या कहते हैं जहाँ पे एडवर्टाइजमेंट की कितनी बार आएगा क्या फ्रीकवेंसी होगी किस डेट को आएगा क्या टाइम होगा तो मीडिया प्लान मीडिया शेड्यूल मीडिया टाइम मीडिया स्पेस तो एंसर इज मीडिया शेड्यूल नेक्स्ट क्वेश्चन है सीरीज ऑफ एडवर्टीजमेंट मैसेजेस दैट शेयर अ सिंगल आइडिया और थीम तो एक नहीं कई बार वो चीज़ें हो रही हैं और जो कन्वे करना है जो मैसेज कन्वे करना है वो एक है एक आइडिया पे तो इस तरह के एडवर्टीजमेंट को क्या कहते हैं एडवर्टीजमेंट कंपेन एडवर्टीजमेंट ग्रुप एडवर्टीजमेंट क्लस्टर एडवर्टीजमेंट सीरीज सो आप देते हैं कैंपियन लगा है एडवर्टीजमेंट कैंपेन इज़ द आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन पॉइंट ऑफ परचेज एड्स आर आल्सो नोन एज पॉइंट ऑफ परचेज जो एडवर्टीजमेंट होती है उसको हम और क्या कहते हैं इन स्टोर एडवर्टीजमेंट बिल्ट इन एडवर्टाइजिंग ग्रीन एडवर्टाइजिंग स्टॉक एडवर्टाइजिंग सो आंसर इज इन स्टोर एडवर्टाइजिंग ये भी एक तरीके से आपका जो डीलर प्रमोशन की बात होती है ट्रेड प्रमोशन की बात होती है उन्हीं का तरीका होता है उसी का वे है तो पॉइंट ऑफ परचेज एड मतलब क्या हो गया कि जब एट द टाइम ऑफ परचेज आपको एडवर्टीजमेंट हम कर रहे हैं जैसे आप देखते हैं कि शॉप परचेज करने जाते हैं तो उनकी वॉल पे किसी भी प्रोडक्ट का बड़ा सा बैनर लगा हुआ है या वो जो uh, जिस बॉक्स में रखे हैं उस बॉक्स पे आपको चॉकलेट या किसी भी ब्रांड का आपको दिख रहा है तो वो क्या हो रहा है कि आप खरीदने जा रहे हैं तो आपकी आंखों के सामने वो चीज़ें आ रही हैं वो uh, तो वो क्या होता है उसे कहते हैं कि पॉइंट ऑफ परचेज एडवर्टीजमेंट कि जब भी खरीदा जा रहा है उस टाइम उस पर उसकी एडवर्टीजमेंट हो रही है होर्डिंग्स लगे हैं वॉल पर लगा हुआ है स्टिकर लगे हैं बॉक्स वही है तो उसे हम पॉइंट ऑफ परचेज करते हैं तो ये कैसा होता है इन स्टोर स्टोर होता है में वो उसके बैनर्स लगे होंगे चीजें लगी होंगी तो आप जब वहां परचेज करने जाएंगे तो एडवर्टीजमेंट हो जाएगा नेक्स्ट मैगजीन्स एड सेलिब्रिटीज टू द मैसेज बिकॉज ऑफ द रेपुटेशन इन द आइज ऑफ मार्केटिंग मैनेजर रिटेलर कंज्यूमर या होलसेलर सो आंसर इज कंज्यूमर्स और ऐसी बात है मैगजीन से क्या हो जाता है कि रेपुटेशन बनती है कि इसकी मैगजीन से टाइम्स ऑफ इंडिया में ये चीज़ें निकली हैं तो ये आ, क्या होता है कंज्यूमर्स के लिए एक रेपुटेशन की बात हो जाती है तो उनकी आइज़ में कंज्यूमर्स की आईज में ये रेपूटेटेड मैसेजेस होते हैं नेक्स्ट सेलेक्टिंग टाइम चूजिंग मीडिया टाइप्स डिसाइडिंग ऑन रीच ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड मीडिया वेक्ल्स फॉर एडवर्टीजमेंट आर पार्ट ऑफ किसके पार्ट है मीडिया स्ट्रैटेजी का मीडिया एग्जीक्यूशन का सेलेक्टिंग मीडिया का मैगजीन कम्युनिकेशन का सो एंसर इज सेलेक्टिंग मीडिया नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ क्रिएटिव पीपल फॉर एंड एडवर्टीजमेंट एंड प्रोमोशनल टूल्स आर कॉल्ड तो इसे हम क्या कहेंगे एडवर्टीजमेंट मेकर्स कहेंगे एडवर्टीजमेंट क्रिएटर कहेंगे एडवर्टीजमेंट डेवलपर्स कहेंगे एडवर्टीजमेंट एजेंसीज कहेंगे सो एंसर इज एडवर्टीजमेंट एजेंसी मतलब जो इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो मेनली एडवर्टीजमेंट के लिए कर रही हैं तो वो वो क्या कहलाती हैं एडवर्टीजमेंट एजेंसीज कहलाती हैं विच एमेंग द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ एड एजेंसी इसमें से कौन सा ये advertisement है ये एडवर्टीजमेंट जो एजेंसीज होती हैं उनका फंक्शन नहीं है कंडक्ट मार्केट एनालिसिस डेवलप एडवर्टाइजिंग प्लान्स डेवलप मीडिया स्ट्रैटेजी करेक्ट फीडबैक फ्रॉम टारगेट ऑडियंस सो आंसर इज डेवलप मीडिया स्ट्रैटेजी क्या मीडिया स्ट्रैटेजी है ये उनका काम नहीं है लेकिन कहाँ पे होर्डिंग है कैसे करना है ये एनालिसिस करना कैसे करना है का प्लान ये उनके वर्क है नेक्स्ट डैश इज द फैक्टर्स कॉन्ट्रीब्यूटिंग फॉर द रैपिड ग्रोथ ऑफ सेल्स प्रमोशन तो इसमें से कौन सा फैक्टर्स है जो सेल्स प्रमोशन की ग्रोथ को करता है इंक्रीज करता है प्रेशराइजिंग बाई मैनेजर टू इंक्रीज सेल्स मोर एक्सटर्नल कॉम्पिटिशन लीस्ट डिफरेंश डिफरेंस एमंग द ब्रांड्स ये ऑल ऑफ दीज सो एंसर इज ऑल ऑफ दीज नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं सेल्स प्रमोशन मीन्स एनी स्टेप दैट आर टेकन फॉर द पर्पज ऑफ ऑप्टेनिंग और इंक्रीजिंग सेल्स तो सेल्स प्रमोशन क्या है कोई भी स्टेप जो हम लेते हैं सेल्स को इंक्रीज करने के लिए तो so वो ये स्टेटमेंट किसके द्वारा कहा गया था कोलर एंड क्लॉक हैंस एंड बॉर्डन ए एच आर ए एच आर डिटेल्स से तो आंसर इज ए ए एच आर डिटेन ने यह बात कही थी कि सेल्स प्रमोशन स्टेप होता है सिर्फ सेल्स को इंक्रीज करने के लिए नेक्स्ट क्वेश्चन एंड एड कॉपी विच इन्फॉर्म्स द टारगेट ग्रुप द फैक्ट दैट द मैनुफैक्चर इज इस्टेब्लिश्ड एनफ टू गिव देम ए राइट गुड इस इंस्टीट्यूशनल कॉपी स्टेट सेलिंग कॉपी एजुकेशनल कॉपी या एक्सपोर्ट्री कॉपी सो एंसर इज इंस्टीट्यूशनल कॉपी क्योंकि उसमें टारगेटेटेटेटेट ग्रुप को सारी इन्फॉर्मेशन मैनुफैक्चर दे रहा होता है कि ये गुड आपके लिए क्यों सही है कैसा है तो वो इंस्टीट्यूशनल कॉपी कही जाती है नेक्स्ट अ कंज्यूमर कॉन्टेस्ट इज एन एग्जाम्पल ऑफ कंज्यूमर का कॉन्टेस्ट करा रहे हैं सो इज एन एग्जाम्पल ऑफ पर्सनल सेलिंग सेल्स प्रमोशन एडवर्टीजमेंट इन डायरेक्ट सेलिंग सो आंसर इज सेल्स प्रमोशन और सेल्स प्रमोशन में कंज्यूमर कॉन्टेस्ट किस में आएगा कंज्यूमर्स प्रमोशन के अंदर आएगा जितने फॉर्म्स हैं उस फॉर्म में कंज्यूमर प्रमोशन के अंदर ये कंज्यूमर कॉन्टेस्ट आता है नेक्स्ट सर्चिंग एंड आइडेंटिफाइंग पोटेंशियल बायर फॉर अ प्रोडक्ट इज तो प्रोडक्ट के लिए जो रियल बायर है जो पोटेंशियल बायर है उसको सर्च करना आइडेंटिफाई करना ये क्या कहलाएगा सेलिंग प्रोस्पेक्टिंग कंपेलिंग कन्वेसिंग सो एंसर इज प्रोस्पेक्टिंग नेक्स्ट क्वेश्चन है डिटरमाइनिंग द प्रमोशन बजट ऑन द बेसिस ऑफ फाइनेंशियल अवेलेबिलिटी अवेलेबिलिटी ऑफ कैपिटल इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग बजट मैथड कौन सा मैथड है ये अफोर्डेबल मैथड परसेंटेज ऑफ सेल्स मैथड कॉम्पिटेटिव पैरिटी मैथड ऑब्जेक्टिव इन टास्क मैथड सो आंसर इज अफोर्डेबल मैथड तो जैसी अवेबिलिटी है कैपिटल की फाइनेंशियल अवेबिलिटी है उसके बेसिस पे बजट का करना उसके बेसिस पे प्रमोट प्रमोशन बजट बनाना तो दैट इज़ अफोर्डेबल मेथड नेक्स्ट द बेस्ट प्रमोशनल टूल इन एनी मार्केटिंग इज़ वर्ड ऑफ माउथ पब्लिसिटी सेल्फ लिक्वेटिंग प्रमोशन पुश प्रमोशन डीलर्स प्रमोशन मैथड सो आंसर इज वर्ड ऑफ माउथ पब्लिसिटी बट ऑब बात है आपको पता है कि एक से दूसरे ने दूसरे से तीसरे ने तीसरे ने, ने चौथे से कहा तो इससे पब्लिसिटी सबसे ज़्यादा होती है तो ये सबसे बेस्ट टूल है प्रमोशन का नेक्स्ट ऑन पैक सैंपल्स आर द एग्जांपल ऑफ पैक सैंपल्स पैकिंग किए हुए मटेरियल्स के सैंपल्स भेजे जा रहे हैं तो ये किसका एग्जांपल है ट्रेड प्रमोशन का सेल्स प्रमोशन का मैन्युफैक्चर प्रमोशन का फुलफिलमेंट कॉस्ट का सो आंसर इज मैनुफैक्चर प्रमोशंस का है राइट नेक्स्ट क्वेश्चन द मोस्ट पॉपुलर फॉर्म ऑफ एडवर्टाइजिंग एंड इट रीचेज टू मासेस तो बहुतों तक एक साथ पहुँचाए ऐसा कौन सा एडवर्टाइजिंग का मीडियम है सोशल मीडिया ई मेल टेलीविजन प्रिंट सो एंसर इज प्रिंट मीडिया प्रिंट मीडिया मीन्स जैसे न्यूज़ पेपर हो गया हर right? जिनकी प्रिंटिंग होती है न्यूज़ पेपर हो गया ये मैगजीन्स हो गए ये सारे प्रिंट मीडिया के एग्जाम्पल्स हैं फिर नेक्स्ट है एडवर्टाइजिंग फॉर डैश इज़ नॉट अलाउड किसकी एडवर्टीजमेंट अलाउड नहीं है लीकर वॉशिंग पाउडर सिगरेट बोथ ए एंड सी सो तो आंसर इज बोथ ए एंड सी लीकर एंड सिगरेट इनकी एडवर्टीजमेंट अलाउड नहीं होती है नेक्स्ट क्वेश्चन एडवर्टीजमेंट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग प्रोडक्ट और आइडिया इन नॉन पर्सनल फॉर्म एज नो फेस टू फेस कॉन्टैक्ट इज इन्वॉल्व बिटवीन तो ऐसा एडवर्टीजमेंट जहाँ पे जो प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन हो वो पर्टिकुलरली एक पर्सन को नहीं दी जा रही है मतलब फेस टू फेस नहीं प्रोवाइड की जा रही है और एक साथ सबको पर्सनल बेसिस पे नहीं की जा रही है एक साथ की जा रही है तो ये किन के बीच में हो सकता है मार्केटर एंड रिटेलर के बीच में जॉबर एंड होलसेलर के बीच में बायर एंड कस्टमर के बीच में मार्केट मैनेजर एंड सेल्समैन के बीच में सो एंसर इज बायर एंड कस्टमर के बीच में नेक्स्ट डैश आर व्हेकल्स और चैनल्स थ्रू विच द एडवर्टाइजिंग मैसेजेज आर ट्रांसमिटेड टू टारगेट कंज्यूमर सो दैट द डिजायर्ड एक्शन मे बी इंक्लूडेड एट द कंज्यूमर लेवल तो कंज्यूमर लेवल की जो चीज़ें हम चाह रहे वो चीज़ हो जाए तो ये कह एडवर्टीजमेंट मीडिया के थ्रू एडवर्टीजमेंट कॉपी एडवर्टाइजिंग ले आउट टीजर्स एडवर्टीजमेंट सो आंसर इज एडवर्टीजमेंट मीडिया तो एडवर्टीजमेंट मीडिया वो चैनल होते हैं जिसके बेसिस पर एक साथ कई लोगों को हम जो भी हमारे टारगेट कंज्यूमर्स है जो ग्रुप है उसको हम मैसेज करते कि वो परचेज़ करें एक्चुअली डिजायर्ड एक्शन जो हमारा होता है डिजायर्ड एक्शन वो यही होता है कि वो परचेज कर सके तो एडवर्टिज मीडिया नेक्स्ट क्वेश्चन कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट स्टेटमेंट वन क्या है प्रिंट मीडिया इज द ओल्डेस्ट एंड बेसिक फॉर्म्स ऑफ मास कम्युनिकेशन तो प्रिंट मीडिया सबसे पुराना और सबसे बेसिक फॉर्म है जिसमें हम एक साथ कई लोगों से कम्युनिकेट करते हैं दूसरा प्रिंट मीडिया कैन मेक अ फास्ट डिलीवरी देन है ब्रॉडकास्ट मीडिया तो प्रिंट मीडिया जो है सबसे ज्यादा फास्टेस्ट है ब्रॉडकास्ट रेदर देन ब्रॉडकास्ट मीडिया ब्रॉडकास्ट मीडिया मतलब जैसे कि टेलीविजन के थ्रू आ गया रेडियोज के थ्रू आ रहा जो ब्रॉडकास्ट के थ्रू भेजे जा रहे हैं आपको तो प्रिंट मीडिया उनसे फास्टेस्ट है तो आपको इन दोनों स्टेटमेंट में कौन सा स्टेटमेंट सही लग रहा है बोथ स्टेटमेंट आर राइट बोथ स्टेटमेंट आर रॉन्ग ओनली फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट ओनली स्टेटमेंट टू इज करेक्ट सो आंसर ज ओनली फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट क्योंकि प्रिंट मीडिया सबसे बेसिक फॉर्म है मास कम्युनिकेशन बहुत पहले भी जब चीजें एडवर्टीजमेंट होती थी तो न्यूज पेपर के थ्रू ही होती थी राइट नेक्स्ट देखते हैं शोइंग द प्रोडक्ट इन अ पिक्चर एज अ बिगर देन इट एक्चुअली इज एन एग्जाम्पल ऑफ तो रियलिटी में वो छोटा सा चीज़ है पर हम आपको बहुत बड़ा सा पिक्चर दिखा रहे हैं और आप समझे कि वाओ ये तो बहुत बड़ी साइज़ में है तो इस तरह से अगर आपको शो किया जा रहा है तो ये क्या है डिसेप्शन सबलिमिनल एड्स ऑप्शन एड्स चैलेंजिंग तो आंसर इज डिसेप्शन मीन्स धोखा है बट ऑब्वियस सी बात है कि आप आप बड़ा समझ के उस परचेज उस प्रोडक्ट को परचेज करो और बाद में वो छोटा सा निकले तो ये आपके लिए चीटिंग ही हुई ना नेक्स्ट क्वेश्चन है सॉरी uh, तो इस सीरीज में हम इतने ही क्वेश्चन ले रहे हैं हम नेक्स्ट पार्ट लेके आएंगे जिसमें हम और एम सॉल्व करेंगे तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा विश यू ऑल द बेस्ट थैंक यू सो मच